रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेल्दी सैलड तैयार करेंगे। हेल्दी सैलड बनाने के लिए मैंने एक टन जो है वो केन में जो आते हैं स्वीट कॉर्न्स वो ले लिए हैं, और आधा पाव के करीब ये रेड बीन्स हैं बॉईल हुए हुए हैं। साथ इसमें एक दरमियानी प्याज है उसको मैंने बारीक चॉप किया है, एक छोटी गाजर थी उसको चॉप किया है, टमाटर है 2 अदद उसको चॉप किया है, एक खीरा है उसको चॉप किया है। सैलड आप अपने हिसाब से इसमें और भी चीजें बढ़ा सकते हैं, जैसे सलाद पत्ता है और इस तरह की जो सैलड में जितनी भी चीजें यूज होती हैं आप उसका उससे भी ले सकते हैं। आधा लेमन डलेगा, मेरे पास बड़ा है इसलिए आधा डलेगा, अगर छोटा होगा तो आप एक भी यूज कर सकते हैं। तो झटपट से इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। पहले 2 चम्मच ऑलिव ऑयल जाएगा। जो डाइट कॉन्शियस होते हैं उनके लिए भी ये सैलड बहुत बेस्ट है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च जाएगी, काली मिर्च आप ज्यादा भी कर सकती हैं अगर आपको मिर्च मसाला ज्यादा पसंद हो। 1/4 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, और साथ इसमें लेमन डालेंगे, 1/2 लेमन जो रखा हुआ था। बस इसको अच्छा सा फोक की मदद से बीट करना है, हमने बीट करके बस सब चीजें मिक्स करनी है, फटाफट से ये सैलड बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें इसको बीट करेंगे तो इसमें कलर इसका देखें कितना चेंज हो जाता है। इस सॉस को तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए बीट किया है। अब तमाम चीजें इसमें मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम प्याज जो एक दरमियानी मैंने आपको बताई है बारीक चॉप करके रखी है वो डाल लेंगे, खीरा गाजर और टमाटर वो डाल देंगे, रेड बीन्स और स्वीट कॉर्न। बस इसको मिक्स करना है। सैलड हमारी रेडी हो चुकी है, कोई खास काम नहीं है बस बिल्कुल, लेकिन ये हेल्दी भी बहुत होती है। इसमें जो रेड बीन्स और कॉर्न्स डले हैं ये बहुत हेल्दी चीजें हैं सारी, टमाटर खीरा सब चीजें बहुत हेल्दी हैं। बस मेरी सैलड रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।